वेलकम बैक यूएमबी न्यूज देख रहे हैं आप। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा प्रदेश के मौसम का हाल। वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में बताइए किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। साथ ही अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूले। आपको बता दें, फिर बदला मौसम का मिजाज, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में हवा के ऊपरी भाग में बना चक्रवात अब कम दबाव के क्षेत्र में परिवर्तित होता नजर आ रहा है। इसके प्रभाव से देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड के कुछ हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। IMD के अनुसार उत्तरी छत्तीसगढ़ और इसके निकटवर्ती इलाकों में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इससे जुड़ा चक्रवाती प्रसार समुद्र तल से औसतन 5.8 किलोमीटर तक फैला हुआ है और ऊंचाई के साथ यह दक्षिण पश्चिम की ओर झुका हुआ है। इन 14 राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के कुछ हिस्से, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, केरल में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के आसार। उत्तर प्रदेश के बीते 3 दिनों से बादलों की आवाजाही तो बनी है, लेकिन छिटपुट बारिश के बाद बादल गायब हो रहे हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 26 सितंबर तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर से हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। मौसम विभाग ने बुधवार को कई पूर्वांचल के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में भी 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड मौसम विभाग ने आगामी 4 दिनों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं गरज के साथ बारिश या आकाशीय बिजली चमकने के साथ तेज बारिश की संभावना जताई गई है। 21 सितंबर को उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल और चंपावत में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। 22 सितंबर को देहरादून, टिहरी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। 23 और 24 सितंबर को उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में तेज बौछार की संभावना जताई गई। मौसम विभाग के मुताबिक पटना बादल छाए रहेंगे, इस दौरान बारिश या गरज के साथ तूफान या धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। 22 सितंबर को भी यहां धूल भरी आंधी चलने के साथ बारिश के भी आसार बने हुए हैं। इसके बाद 23 सितंबर और 24 सितंबर के दिन आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ एक या दो बार बौछारें पड़ने की भी संभावना है। वहीं 25 और 26 सितंबर को पटना में बारिश के आसार हैं। आज कहां गिरेगी बिजली और कहां पड़ेगी गरज के साथ बौछारें। आज तटीय आंध्र प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ने तथा वज्रपात होने की आशंका जताई गई है। वहीं आज चंडीगढ़ और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल तथा केरल में वही माहे में बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ने की पूर्वानुमान लगाया गया है। आज दक्षिण पश्चिम और आसपास के पश्चिम मध्य अरब सागर के साथ सोमालिया तट, मन्नार की खाड़ी, श्रीलंका तट से दूर बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तूफानी हवाओं के और तेज होकर 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तब्दील होने के आसार है। जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। हम आपको हर रोज ताज़ा अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए UMB न्यूज़।